अपना माटी अपना देश, इसी के तहत हम लोग को सम्मानित करना है जो स्वतंत्रता सेनानी है या जो हमारे नौजवान भाई शहीद हुए हैं उनको भी सम्मानित किया जा रहा है। तो इस तरह से सोच आए नरेंद्र मोदी के और पूरे हमारे जो है विश्व में करना है। हमारे बगल में बैठे चाची स्वतंत्रता सेनानी के जो आज हमारे माता तुल हैं और इनको देखकर हम गौरवान्वित हुए, खुशी मिली कि आज भी हमारे बीच हैं और इनका आशीर्वाद मिलते रहेगा तो हम लोग और आगे बढ़ेंगे। तो सभी लोग को प्रणाम नमस्कार। और आज जो आपके बीच में निवास दा बहुत कुछ बताए, आज़ादी के 70 वर्ष होने जा रहा है लेकिन हम लोग गुलामी नहीं देखे और गुलामी से हम लोग आज़ादी में आए, तो हमें क्या पता है कि गुलामी कैसा था। लेकिन बुजुर्गों तो बताते हैं कि गुलामी किस तरह से झेले और हम जब आज़ादी में आए हैं तो जो पार्टी के सींचने वाले हैं और पार्टी के पौधा देने वाले हैं वो हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल। और जब श्यामा प्रसाद जी कश्मीर में शहीद हुए थे तो हम लोग कहते थे कि जो जहां शहीद श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो दे कश्मीर हमारा है, लेकिन कहने का था लेकिन करने का नहीं। आज पुनः नरेंद्र मोदी एक गरीब के बेटा, एक कहिए तो 48 माह है जो उनको जन्म दिए और इतने विकसित भारत कर रहे हैं उनको धन्य मानते हैं कि आज हमारे देश के इतनी मजबूती कर दिए हैं कि बच्चा बच्चा कहता है कि आज देश के लिए नरेंद्र मोदी चाहिए। और मोदी है तो मुमकिन है। आपके सामने में 70 साल हो गया आज रामलला का पंडाल, जो पंडाल में रहते थे हम लोग सनातन धर्म भूल चुके थे और सनातन का जो आने वाला पीढ़ी बच्चा है या हमारे नौजवान भाई हैं उन्होंने सनातन का याद धीरे धीरे ख़त्म कर देते, लेकिन वही आदरणीय प्रधानमंत्री घर घर में अलख जगाए और बोले कि हिंदू अपना धर्म चिन्हो और अपना धर्म पहचानो, क्या सनातन धर्म है। और हमें सनातन धर्म रहेगा, हमारा रामलला का जो है दिल में बसाए हुए रहेंगे और उनको जो है हर हमेशा याद करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। यही सोच के आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरे विश्व में एक दिशा निर्देश दिए कि सनातन धर्म क्या होता है। और इस तरह से आपसे हमसे जो वादा किए थे काम करने का उन्होंने पूरा कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम मरते हैं देश के लिए, जीते हैं देश के लिए। और पार्टी में तो है कि व्यक्तिगत जो है परिवार जो है अपना बढ़ाइए, नेता पैदा कीजिए, लेकिन यही एक पार्टी है कि व्यक्तिगत नेता पैदा नहीं करता है, किसी एक कार्यकर्ता के जमीन से लेकर प्रदेश तक नेता बना देता है, केंद्र तक बना देता है, लेकिन परिवारवादी। और हमें तो अभी बहुत कुछ सीखना है, नीचे वाले पीढ़ी के बहुत कुछ सीखना है, लेकिन हम यही कहेंगे कि देश के लिए बाबू जिंदा रहो, राष्ट्र है देश है तभी हम हैं, अन्यथा हम नहीं। देश अगर नहीं है तो हम लोग कहीं का नहीं। और देश अगर गुलामी से आज़ादी मिला है तो हम आज़ादी का आगे बढ़ाएंगे और आने वाला समय में जो विश्व गुरु बनने वाला है उसको और बल देकर और ताकत देकर बनाने में प्रधानमंत्री का सहयोग करेंगे। तो आपके सामने में 2024 और 25 तो 6 महीना 8 महीना बीत गया और कुछ दिन बाकी है, तो हमें पुनः इस देश के लिए फिर नरेंद्र मोदी चाहिए, अन्यथा नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे तो देश भी नहीं बचेगा। ये बच्चा बच्चा जान रहा है, बुजुर्ग भी जान रहे हैं, महिलाओं भी जान रहे हैं, सभी लोग जान रहे हैं। और वही एक प्रधानमंत्री हैं कि दूसरे भी देश जाते हैं तो उनको कितना आदर सत्कार से देखता है लोग और उनको कहता है कि नहीं
हमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा चाहिए, और इतना लोकप्रियता तो किसी प्रधानमंत्री में हम नहीं देखते। तो यही आपसे निवेदन करेंगे कि आप लोग तो अभिभावक हैं, बुद्धिजीवी हैं, आने वाला समय में चुकिएगा नहीं, और आप तो जो है आशीर्वाद दीजिएगा और नौजवान भाई काम करेंगे। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ सबसे पुनः नमस्कार और विदा लेते हैं, और फिर से कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, कि सूरज निकलेगा, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। वही आज पूरा विश्व में और देश में हो गया और आने वाला में भी होगा। तो हमारे पार्टी के सामने में कोई नहीं टिकेगा, कोई नहीं टिकेगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।